आदि पुरुष के VFX और रावण से कंपेयर किया जा रहा है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, कंपैरिजन तो किया ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि आदि पुरुष का VFX ये और रावण का ये था। आज से 10 साल 11 साल पहले वो फिल्म आई थी, लेकिन क्या VFX थे फिल्म में, आप देखिए वो जो जीवन वाला और रावण वाले वो जो जब वो क्रिएट होते हैं वो देखिए, वो छोटे छोटे वो चीज़ों से मिलते हैं बनते हैं वो सब चीज़ें, कितने ज़बरदस्त सीन्स वगैरह थे VFX के, जितने भी आप उठा लीजिए। वो जो फाइट सीन था इन लोगों का, वो वहाँ पे कार वार ब्लास्ट हो रही थी, वो सब चीज़ें हो रही थी, ऊपर से वो पानी का टैंक वहाँ वो ब्लास्ट करते हैं, फिर वो जीवन गिरता रावण, उसका मतलब अनगिनत शॉट्स थे उस फिल्म में, जिसमें कितने ज़बरदस्त, मतलब हॉलीवुड की टक्कर के, हॉलीवुड लेवल पूरे हॉलीवुड के टक्कर के VFX थे। और आज भी देखिए बॉलीवुड की तरफ से कोई इतने ज़बरदस्त VFX नहीं दे पा रहा है। ब्रह्मास्त्र आई थी, उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं VFX की, लेकिन वो भी देखिए अभी की फिल्म है, लेकिन उसमें भी इतने ज़बरदस्त VFX आपको नहीं देखने को मिले जो हमें रावण में 10 साल पहले देखने को मिल चुके हैं। आप देखिए आदि पुरुष में क्या VFX हमें देखने को मिल रहा है, मतलब वो तो पूरी फिल्म को ही कचरा कर दिया। आप सोचिए कितना क्रेज था, कितनी हाइप थी आदि पुरुष की, सब वेट कर रहे थे कि भैया रामायण देखने को मिलेगी, इस लेवल पे बना रहे हैं, उस लेवल पे बना रहे हैं, 500 करोड़ की बना रहे हैं, ये वो क्या कर दिया, पूरा कार्टून बना दिया। कार्टून भी ठीक है, मतलब इतना बुरा कार्टून, वो जो हमने बचपन में कार्टून नेटवर्क पोगो पे देखते हैं उनके VFX इससे अच्छे रहते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं उसके ग्राफिक्स, ये क्या कर दिया, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। लेकिन रावण के VFX अलग ही लेवल के थे। और आप देखिए आदि पुरुष के बाद से ट्विटर पर फिर से डिमांड की आ रही है कि भैया रावण को फिर से रिलीज़ कर दो, रावण Part 2 बनाओ, तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन तो बनते ही नहीं। आदि पुरुष के VFX बहुत ही घटिया है, रावण के बहुत ही एक नंबर थे।